मेरे अति प्रियो, प्रभु येसु मसीह हम पर बहुत क्याल करने वाला और जो है हमेशा वो हमें संभालने वाला है। आप जानते हैं उनका साथ चलते हैं ना, वो हाथ पकड़ के आपका अगुवाई करते हैं, इसलिए उनके चेहरा को देखना है, वो क्या कहता है सुनना है। हमेशा परिस्थितियों को ही ध्यान नहीं देना है। परिस्थितियों के देख के हमें घबराहट आएगा और उसको डर भी आएगा, लेकिन यीशु को आप देखिएगा। प्रभु आज आपसे क्या कहने के लिए चाहता है, प्रेरितों का काम 18वां अध्याय उसके 10वां वचन में, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। मेरा बेटा, मेरा बेटी, मैं तुम्हारे संग हूं ना, मैं तुम्हें हाथ पकड़ के अगुवाई करूंगा। तुम्हें बुराई करने के लिए लोग बहुत लोग हैं, शैतान भी तुम्हारा विरोध काम करता है। तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए बहुत लोग चारों तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हारा विरोध कोई भी चारों तरफ है, कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। मैं तुम्हारे संग हूं ना, मैं तुम्हें हमेशा जो है रक्षा करूंगा। लगेगा बुराई दूर से आ रही है, नाश करने के लिए कोशिश करेंगे और घबराहट आएगा। चारों तरफ से आपको दबा के नाश करने के लिए परिस्थितियां आपके विरोध आएगा। प्रभु कहता है तू मेरा बेटा और बेटी है, कोई भी तुम्हारा विरोध जो है हानि नहीं पहुंचाएंगे। तू मेरा बेटा और बेटी के रूप में रहता है, कोई तुम्हें छू सकता है? कोई छू सकता है? मैं तुम्हारे आगे रहता हूँ ना, मैं तुम्हारे आगे रहता हूँ, इसलिए कोई नहीं छू सकता है। प्रभु कहता है तुम क्यों डरते हो? नहीं डरना है, हानि आएगा, ऐसे डरते हैं ना, ऐसे कभी नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति आपका विरोध में खड़ा होने के लिए प्रभु नहीं छोड़ेगा। प्रभु से बोलिएगा, हे प्रभु, हे प्रभु, हानि से तू बचाता है, सारे बुराइयों से परमेश्वर तू हमें बचा के तू रक्षा करता, इसलिए मैं स्तुति करता हूँ। स्तुति वो यीशु के नाम से, आमीन आमीन।